क्वेश्चन की वजह से अथॉरिटी आती है सर, अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आती है सर। बिल्कुल ठीक समझे आप। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? नहीं तो बैक करके दोबारा सुन लेना, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, नोडिंग आ रही है ना। चलो अब फ्लोस की बात करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं आसानी से समझने के लिए, आपको आसानी हो जाएगी। ए यू टी एच ओ आर आई टी वाई, अथॉरिटी, और यहां पर डाल देते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटा अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। अथॉरिटी हमेशा एस से जे के पास जाएगी, सुपीरियर से जूनियर के पास, मिस्टर एस से मिस्टर जे के पास जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी होती है जो अपवर्ड फ्लो करती है। मिस्टर एस मिस्टर जे, अथॉरिटी हमेशा इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दैट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी फ्लो करती है अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, चलो गुड। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के ऊपर। व्हाई डेलीगेशन इज सो इंपॉर्टेंट? पहला रीजन है इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट। पहला रीजन है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजर गेट्स मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। अभी हमने देखा मिस्टर एस ने अपनी अथॉरिटी मिस्टर जे को ट्रांसफर कर दी, तो अब वो अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मैटर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जितने लेस इंपॉर्टेंट काम है वो उन्होंने अपने जूनियर को दे दिए। बेटा आपने एमडीएच का नाम सुना है? एमडीएच के मसाले, सच सच? हां जी सर, सुना तो है। अच्छा, आप यूज भी करते हो मसाले? वेरी गुड भाई, नाम तो सुना होगा आपने कम से कम। तो एमडीएच की फुल फॉर्म क्या है बता दो जरा, कोई आइडिया नहीं है? MDH की फुल फॉर्म है महाशया दी हट्टी। मसाले हैं MDH के। महाशय होता है जेंटलमैन, हट्टी अ प्लेस ऑफ जेंटलमैन, राइट? तो महाशया दी हट्टी इस कंपनी का नाम है MDH। अब आप सोचो क्या MDH के जो ऑनर हैं, जो आप एड देखते हो ना उसमें एक बुजुर्ग से आते हैं MDH की एड में, he is the owner of this company. क्या आपको लगता है
कि बिना उनके डेलीगेशन किए क्या ये संभव था कि वो इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाते, इतनी बड़ी कंपनी बना पाते? बताओ, सोचो। सोच लिया? आप मानते हो ना इस बात को कि बिना डेलीगेशन किए एमडीएच की कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी, है ना? समझ आ गया? एमडीएच का मतलब होता है महाशय दी हट्टी। तो उन्होंने भी डेलीगेशन किया था बेटा, अथॉरिटी ट्रांसफर की, तभी तो लोग काम करने लगे और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ। अब इसमें पहला फायदा होता है मोर फोकस ऑन वर्क, जो कंसेंट्रेट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, मैटर्स होते हैं, उस पर फोकस हो पाता है। नंबर टू, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। अब मिस्टर एस ने मिस्टर जे को पावर दे दी, अब मिस्टर जे क्या करेंगे उस पावर का? डिसीजन लेंगे, काम करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखा सके मिस्टर एस को, देखो मैं कितना काबिल हूं, आपने मेरे को पावर दी, मुझको विश्वास किया, अब देखो मैं कितना बढ़िया काम करता हूं। तो एम्प्लॉई को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकता है। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या है डेलीगेशन का? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉई। देखो, जब भी जिसको पावर मिलती है डेफिनेटली उसको बड़ी खुशी मिलती है, उसको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है कि यस, मेरे पास आज पावर है, मैं ये डिसीजन ले सकता हूं और मैं जो डिसीजन लूंगा वो वैलिड होगा, उस पर काम किया जाएगा। बोलते ना, मेरी तो चलती है ऑफिस में, मेरी तो चलती है, मैंने एक बार कह दिया ना हाँ तो हाँ, मैंने कह दिया ना तो भैया वो काम हो ही नहीं सकता। तो देखो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है पावर मिलने से, डेलीगेशन करने से ये फायदा होता है। इट्स साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वी फील यस वी हैव सम पावर, वी कैन डू एनीथिंग विद इन द लिमिट, राइट? व्हेन ए सुपीरियर एंट्रस्ट अ सबॉर्डिनेट विद ए टास्क, ही फील्स एंकरेज्ड एंड ट्राइज टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर। जब भी आप अपने एम्प्लॉई पर विश्वास करते हो, ठीक है, तो उसको लगता है कि मेरा बॉस मुझ पे विश्वास करता है, तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस को करने के लिए तैयार रहता है, और बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन आता है ना, जान आ जाती है, आहा आज बॉस ने काम दिया, इसको ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा कि अगली बार बॉस कहेगा ये काम इसी को देना है, सबसे बढ़िया काम करता है। मोटिवेशन। चौथा फायदा, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। Trained and experienced employees play significant role in launch of new projects. देखो, जब आपने authority दी, ठीक है, आपने क्या दी? Authority दी अपने subordinate को, अब वो decision ले रहा है, कभी वो गलत decision होंगे, कभी वो सही decision होंगे, कभी वो आपसे पूछ के decision लेगा, कभी अपने आप लेगा। तो आप सोचो, जब वो decision लेगा तो सारी चीजों को analyze करेगा, नई नई चीजों को एनालाइज करेगा, तो इनडायरेक्टली क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो जब इनडायरेक्टली उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपके पास ऐसे मैनेजर्स तैयार हो जाएंगे जिन पर आप अपने काम को सौंप के आप आगे काम कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो, नए बिजनेस में डील कर सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने एग्जिस्टिंग मैनेजर को पावर दोगे, उनको यूटिलाइज करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, और दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी डेलीगेशन से ग्रोथ होती है, है ना? और आपको नए नए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं। पांचवा फायदा, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये हायरार्की क्या होता है? लेवल्स बोलते हैं बेटा इसको। मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं उसको हायरार्की बोलते हैं। अब कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ये कैसे पता चलता है? डेलीगेशन से। जो अथॉरिटी देता है उसको बोलते हैं सुपीरियर, जो अथॉरिटी लेता है
उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट, जो अथॉरिटी देता है उसको बोलते हैं सुपीरियर, जो अथॉरिटी लेता है उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट। अब सुपीरियर कौन और सबॉर्डिनेट कौन, ये किस बेस पर डिसाइड होता है? डेलीगेशन के बेसिस पर। यानी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट की जो सीढ़ी बनती है, जिसको लेवल्स बोलते हैं, जिसको हायरार्की बोलते हैं, उसका बेसिस क्या है बेटा? डेलीगेशन है ना। अगर ये डेलीगेशन ना हो तो एक सीढ़ी नहीं बनेगी, एक सीढ़ी नहीं बनेगी तो दूसरी नहीं बनेगी, तीसरी नहीं बनेगी, लेवल्स नहीं बनेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी माय डियर। इसलिए डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पावर दिए आप काम करवा नहीं सकते, बिना काम कराए आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो सारा क्रक्स ही खत्म हो गया ना। हां जी, छठा फायदा क्या है इसका? बेटर कोऑर्डिनेशन, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्क बींग डन एट वेरियस लेवल्स। देखो, आपने अपने नीचे चार लोगों को पावर दे दी काम करने की, ठीक है। अब वो चारों लोग काम कर रहे हैं, चारों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा, और आप चार अपने जूनियर से चार अलग अलग काम करवा सकते हो, इससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। देखा कितने फायदे हैं डेलीगेशन के, समझ आ गया। अब याद रहेगा एमडीएच के बारे में बेटा, एमडीएच के सीईओ ने भी बेटा अथॉरिटी को ट्रांसफर किया था, अथॉरिटी को ट्रांसफर किया था, इसी वजह से आज वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, पता है आपको? तो नोट कर लो बेटा, एमडीएच सीईओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। एम से मोटिवेशन होता है, डी से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई होता है, एच से हायरार्की की बेसिस होता है डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, और नए नए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने आते हैं, आप ग्रोथ कर सकते हो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन। प्लीज नोट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, एमडीएच सीईओ। नोट कर लिया बेटा? अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो जरा। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक फर्क समझ लो। काम करने की जो पावर दी जाती है
उस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। ये समझा था हमने, जब कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम करने की पावर देता है तो उसको कहा जाता है डेलीगेशन। क्या कहा जाता है? यस, डेलीगेशन। काम करने की जो पावर दी जाती है उसको कहा जाता है डेलीगेशन, और काम करवाने की जब पावर दे दी जाती है तो उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं समझ आया? दोबारा से ध्यान से समझो फर्क क्या है। काम करने की पावर देने को डेलीगेशन कहा जाता है, और काम करवाने की जो पावर दी जाती है उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। करना और करवाने में फर्क होता है। मैंने आपको काम करने की पावर दी तो उसको क्या कहेंगे? डेलीगेशन। यानी कि वो काम आपको करना है, जो अथॉरिटी मैंने आपको दी वो आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने आपको काम करने की पावर दी है, करवाने की नहीं दी। बात समझ आ गई? तो मैंने जब आपको काम करने की पावर दी तो काम आपको करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। अगर मैंने काम करवाने की पावर भी दे दी आपको कि आप वो काम किसी और से भी करवा सकते हो, किसी और से मतलब आप अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से करवा सकते हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सिर्फ दो लाइन का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस में पता नहीं हजारों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ी सीधी सी बात बेटा, काम करने की पावर दी तो डेलीगेशन, काम करवाने की पावर दे दी तो डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ गई बात? सिर्फ इतना सा फर्क। अगर ये फर्क समझ आ गया तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे ही समझ आ जाएगा, खत्म। आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, देखिए जरा ये चार्ट क्या कहता है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। देखिए ये हमारे पास है मिस्टर, ये रही डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये काम करने की पावर दी तो इसको क्या कहा हमने? डेलीगेशन। यानी के मिस्टर, क्या नाम रखा था हमने इनका? एस, और इनका मिस्टर जे। अगर मिस्टर एस ने मिस्टर जे को काम करने की पावर दे दी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। यानी कि मिस्टर जे को सारे काम खुद करने पड़ेंगे। अगर मिस्टर एस ने मिस्टर जे को कहा कि मैं आपको काम करवाने की पावर भी दे रहा हूं, यानी कि आप भी अपनी पावर को फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो और अपने जूनियर से काम करवा सकते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी यहां पर डेलीगेशन हुआ, फिर यहां पर डेलीगेशन हुआ, यानी डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ गई कहानी? डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन इक्वल टू डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में सिर्फ काम करने की पावर दी जाती है। अब देखो यहां पर भी काम करने की पावर दी गई है, करवाने की नहीं दी गई। तो अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूंगा, इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। अगर यहां पर मिस्टर एस और मैं इसकी बात कर रहा हूं, मिस्टर एस ने काम करने की पावर दी थी तो डेलीगेशन था, करवाने की पावर दी तो इसने पावर ट्रांसफर कर दी, फर्दर डेलीगेशन कर दिया। फर्दर डेलीगेशन डाउनवर्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्दर डेलीगेशन डाउनवर्ड होना चाहिए बेटा, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया? डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन इक्वल टू डिसेंट्रलाइजेशन।
अब मैं आपको एक और केस स्टडी बताता हूं इसमें, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, ये रे मिस्टर जे को अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। मिस्टर एस ने एक और जूनियर थे इनके अंडर में, मान लीजिए जे वन थे ये जे टू है, इनको अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, अगेन दिस इज डेलीगेशन। मिस्टर एस के अंडर में जे थ्री आ गए, अगेन दिस इज डेलीगेशन। मिस्टर जे फोर आ गए, अगेन दिस इज डेलीगेशन। यहां पर भी डेलीगेशन है, यहां भी डेलीगेशन है, डेलीगेशन है, डेलीगेशन है। अब ये मत करना कि इनको प्लस कर दो बोलो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं। मिस्टर एस ने यहां भी डेलीगेशन किया, यहां भी डेलीगेशन किया, यहां भी डेलीगेशन किया, यहां भी डेलीगेशन किया। इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते। डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा तब होता है जब फर्दर डाउनवर्ड अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। यहां पर मिस्टर एस ने सबको काम करने की पावर दी है, काम करवाने की पावर नहीं दी बेटा, समझ आ गया? काम करवाने की पावर नहीं दी इस सिचुएशन में। यही केस स्टडी एग्जाम में आई और बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए। लिखा था मिस्टर एस ने मिस्टर जे वन को ट्रांसफर किया, फिर जे टू ने कहा मुझे भी पावर दे दो, उन्होंने जे टू को भी पावर दे दी, जे थ्री ने कहा भैया मुझे भी दे दो, तो एस ने जे थ्री को भी डेलीगेशन कर दिया, जे फोर को भी कर दिया। तो बच्चों ने सोचा यार इतने लोगों को अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि राम सर ने कहा था डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन इक्वल टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा समझ लेना, इस डेलीगेशन के ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर काम करने की पावर दी गई है, करवाने की नहीं दी गई। और इस प्रोसेस में काम करवाने की पावर दी गई है, इसलिए इसको हमने कहा डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ आ गई, फर्क समझ आ गया? दूसरा एक मेजर फर्क, सबसे बड़ा फर्क, डेलीगेशन किए बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। डेलीगेशन किए बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। डिसेंट्रलाइज करो या ना करो वो कंपनी पे डिपेंड करता है बेटा। हमने एक प्रिंसिपल भी किया था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, याद है? फियोल का प्रिंसिपल था, फियोल के 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इट इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, और पॉलिसी बनाता कौन है ये हमने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा था, टॉप लेवल बनाता है ना? पॉलिसी इज मेड बाय टॉप लेवल विच आर जनरल गाइडलाइंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइज्ड होगा, आप उसको करोगे या नहीं करोगे ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन डेलीगेशन किए बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, तो दिस इज मैंडेटरी। फर्क समझ आ गया आपको? भैया समझ धीरे धीरे आएगा, एक बार दोबारा से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसलिए दिक्कत तो थोड़ी सी आती है, बट बहुत आसान है। आपको एक तरीका और दिखाते हैं, आपको बहुत आसान, देखिए जरा। देखो ये क्या है, सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट, ये अथॉरिटी ट्रांसफर हुई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट से जब जुड़ता है तो उनमें रिलेशन क्या होता है, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है? अब ये जो सबऑर्डिनेट है हमारा, ये फर्दर डेलीगेशन कर देता है, अभी क्या बन गया? अब समझ आ गया? आ गया समझ में? और अरे अरे गिर गया, अथॉरिटी ढंग से नहीं दी थी ना, अब समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड यस डेलीगेशन एंड दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डाउनवर्ड, ये ध्यान रखना, डाउनवर्ड, ऐसे नहीं कहा मैंने, अगर ऐसे करूंगा तो ये डेलीगेशन रहेगा, दिस इज डेलीगेशन, फर्दर डेलीगेशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आ गया ना, आप समझ आ गया? आहा
यार इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा तो टाइम लेगा ना दिमाग में घुसने के लिए, बट अब आपको बिल्कुल एम्पल क्लियर हो गया कि दिस इज, हाँ और दिस इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक, अब समझ आ गया, अब पल्ले बढ़ गया तुम्हारे, डन। ठीक है, अब फटाफट थियोरेटिकली इसको देखते हैं क्या चीजें होती हैं, राइट। थियोरेटिकली एक बार पढ़ लेते हैं इसको, है ना, ताकि एग्जाम में तो लिखने के नंबर मिलने हैं ना, अब वहां थोड़ी दिखाओगे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, थियोरेटिकली लिखना है, तो आ जाओ स्क्रीन पर देखते हैं व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। दोस ऑर्गेनाइजेशंस इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं देखा बेटा तो उसको जरूर देख लो, और जो 14 प्रिंसिपल में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है उसको जरूर समझना, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको ये और एम्पल क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ ये इतना ही है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो टॉप लेवल पे डिपेंड करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एज इट ग्रोस इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती और वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकती, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज्ड भी कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड भी कहते हैं। इस चार्ट से और क्लियर हो जाएगा, मिस्टर ए जो है दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारी अथॉरिटी जो है मिस्टर ए ने अपने पास रखी हुई है, और मिस्टर बी की जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर सी मिस्टर डी और मिस्टर ई को काम करवाने की पावर दी है। समझ आ गया, काम करवाने की पावर दी है, करने की तो दी है काम करवाने की पावर भी दे दी, यानी सी अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है, मिस्टर डी अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकता है, मिस्टर ई काम करवा सकता है अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ आ गई, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। Why decentralization is important? Why decentralization is important? Decentralization should be applied with caution as it can lead to organizational differences. If the departments start to operate on their own guidelines which may be against the interest of the organization. यानी कि जब हम decentralized करते हैं बेटा, काम करवाने की power देते हैं, तो बड़ी सावधानी से देना है, क्योंकि उसके बाद आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका कंट्रोल और आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन करते वक्त बड़ी सावधानी से आपने पावर को ट्रांसफर करना है कि क्या वो बंदा काम करवा भी सकता है या नहीं। देखो कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं अनडाउटली, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा काम करवा भी सके, है ना। तो जब डिसेंट्रलाइज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो अच्छा काम कर सकता है क्या वो अच्छा काम करवा भी सकता है। क्लियर, पहला फायदा क्या है, इट प्रमोट्स कॉन्फिडेंस अमंगस्ट एम्प्लॉइज। इस सारे एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें भी पावर मिल गई तो सब खुश हो जाते हैं। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब आपको कि सर कुछ पॉइंट सिमिलर लग रहे हैं डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस से, यस बेटा बिल्कुल कुछ सिमिलर होंगे, क्योंकि डेलीगेशन इज ए पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन इज ए पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेटा जो डेलीगेशन के फायदे हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन में भी होंगे, है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चीजें मिलेंगी सेम। जब डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है तो डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया,
और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के मैच करेगी। वहां भी हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यहां भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वहां हमने पढ़ा था कि मैनेजरल टैलेंट डेवलप होता है, बिल्कुल यहां भी टैलेंट डेवलप होगा। अब यहां पर आ गया क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन होता है वो नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, नो नीड ऑफ अप्रूवल, यानी कि हर सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर बैठा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन में हर सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर बैठा हुआ है, हर जूनियर का एक सीनियर है। इसलिए जिस भी जूनियर को प्रॉब्लम आएगी वो अपने सीनियर से पूछ लेगा, भाई क्या करूं, करूं कि ना करूं। कितना क्लियर हो गया? तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, अब भैया जितना डिसेंट्रलाइज होता जाएगा डाउन द लेवल तक तो काम उतना ही आसान होता जाएगा, क्योंकि काम करवाने की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपके पास लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो टॉप लेवल के पास एम्पल प्रायोरिटी टाइम होगा इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस करने के लिए। तो टॉप लेवल को रिलीफ मिल गया, रिलैक्स, आहा हैप्पी, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। आज मुकेश अंबानी क्या सारे काम खुद करता है? नहीं, उसने भी अपनी पावर ट्रांसफर कर रखी है और काम करवाने की पावर दे रखी है कि भैया आप नीचे ट्रांसफर करते जाओ। अगर रिलायंस की अगर हम चेन ऑफ कमांड देखेंगे तो हो सकता है डाउन द लाइन 25 लेवल डाउन जा चुका हो, 26 लेवल, यानी ए से लेकर जेड तक, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, हो सकता है जेड लेवल तक डाउन द लेवल स्टाफ हो। इससे ग्रोथ बढ़ती है, और ग्रोथ तभी होती है जब आप किसी को काम करने की पावर देते हो, उसको ग्रेटर फ्रीडम देते हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कर सके, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तभी होती है। आपने डॉक्टर्स को देखा है, भाई आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं पता है? आप कभी हॉस्पिटल विजिट करो किसी को हालचाल पूछने के लिए, तो कभी नोटिस करना कि डॉक्टर जो है वो भी क्या करता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है अपनी सारी पावर्स जूनियर डॉक्टर को, नर्सिस को, स्टाफ को, असिस्टेंट को, कि सारे काम तुम करो, सिर्फ कोई मेजर दिक्कत आए तो मुझे कंसल्ट करना। और सबसे ज्यादा मोटी फीस किसकी होती है? डॉक्टर की। नर्स सारा दिन खड़ी रहेगी वहां पर, उसको पैसे कम मिलेंगे। जूनियर डॉक्टर 3 चक्कर लगाएगा दिन में, उसको पैसे कम मिलेंगे। डॉक्टर साहब 1 चक्कर लगाएंगे दिन में, उनको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कारण? डिसेंट्रलाइजेशन, बेटर कंट्रोल। आप डॉक्टर साहब जो है दिन में 100 पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर एक पेशेंट के सर पे नहीं खड़ा होना। हर एक पेशेंट के सर पे जूनियर डॉक्टर है, नर्स है, असिस्टेंट है, वार्ड बॉय है, बट डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब तो क्रिटिकल सिचुएशन में सामने खड़े होंगे, और इसी तरीके से वो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देते हैं, तो उनका जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है, और सबसे फीडबैक लेते हैं। 50 पेशेंट हो या 100 हो, भैया जिसकी तबीयत खराब हो फीडबैक इमीडिएटली देना, तो इससे कंट्रोल बढ़ जाता है। बेटा डॉक्टर जो है अगर अपने कंपाउंडर को पावर दे देगा तो डॉक्टर साहब हमेशा फिट रहेंगे ना। काम कम करना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने। देखो ये वाले डॉक्टर साहब हमारे, डॉक्टर साहब कितने फिट नजर आ रहे हैं ना, इतने बुढ़ापे में भी इतने फिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पावर जो है कंपाउंडर को दे दी। तो डॉक्टर और कंपाउंडर रिलेशन हुआ तो डॉक्टर साहब हमारे हो गए फिट। डॉक्टर सी फिट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डी से डिसीजन मेकिंग फास्टर, आर से रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, सी से कंट्रोल बेटर होता है, एफ से फैसिलिटेट्स ग्रोथ, आई से इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, और टी से टैलेंट डेवलप। टैलेंट निखर के सामने आ जाता है, डेवलप हो जाता है। नोट कर लो भैया, मेरी शक्ल मत देखो। हाँ ये नोट करना है भैया, एग्जाम में बड़े काम आएंगे डॉक्टर सी फिट, तब याद करोगे अरे वाह राम सर ने क्या तरीका बताया था, फटाफट रिकॉल हो रहा है ये। तो बेटा इसको नोट कर लो, ये आपके बड़े काम की पुड़िया है, डॉक्टर साहब की दवाई है, हर मर्ज में काम आएगी, और एग्जाम के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही काम आएगी आपके।
फटाफट सारे इंपॉर्टेंस को रिवाइज कर सकते हो आप, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है, टॉप लेवल को रिलीफ मिल जाता है, कंट्रोल बेटर हो जाता है, ग्रोथ फैसिलिटेट्स हो जाती है, इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स और टैलेंट डेवलप हो जाता है। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई कि डेलीगेशन भी समझ आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है कि इन दोनों में फर्क क्या है, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। तो आज इस फर्क को भी समझ लेते हैं और इस दिक्कत को भी खत्म कर देते हैं। बेटा नोट्स खोल लो जरा, कम टू द पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर आ जाओ बेटा, ओपन पेज नंबर 59। डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी होता है, मतलब आप इसके बगैर काम नहीं कर सकते, आप चाहो ना चाहो आपको डेलीगेशन तो करनी ही पड़ेगी। बेटा एक छोटी सी दुकान होती है ना, परचून की दुकान आपके घर के आसपास जरूर होगी, जिसमें एक इकलौता ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, छोटी सी दुकान चल रहा है, वो भी कम से कम एक लड़का जरूर रखता है सफाई करने के लिए, सामान देने के लिए उसके एब्सेंस में, है ना। तो उसको भी कम से कम पावर तो देनी ही पड़ेगी काम कराने के लिए। तो डेलीगेशन तो कंपल्सरी है, उसके बगैर आप कभी काम करवा ही नहीं सकते किसी से आप। लेकिन डिसेंट्रलाइज करोगे या नहीं करोगे ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि ये टॉप लेवल पे डिपेंड करता है, और टॉप लेवल पे इसलिए डिपेंड करता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सीक्रेट्स है, है ना, रेसिपी बहुत सीक्रेट है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई फॉर्मूला है वो बड़ा सीक्रेट है, कुछ भी चीज सीक्रेट हो सकती है। तो कंपनी नहीं चाहती कि हम सारी डिसीजन मेकिंग जो है नीचे ट्रांसफर करें, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? सेंट्रलाइज्ड, राइट। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भैया मैगी खरीदनी और मैगी बेचनी है, ट्रेडिंग करती है, अब इसमें क्या सीक्रेट है भाई? मैगी मार्केट में मिलती है और मार्केट में बेचनी है, तो कोई सीक्रेट नहीं है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है। अब ये सेंट्रलाइज्ड होगी या डिसेंट्रलाइज्ड होगी, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन किसकी है? टॉप लेवल की। उनकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, इच्छा पे डिपेंड करता है बेटा। ये किस पे डिपेंड करता है? इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो सेंट्रलाइज्ड होगी या डिसेंट्रलाइज्ड होगी। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें, किसमें फ्रीडम ज्यादा होती है? डेलीगेशन में लेस फ्रीडम होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रेटर फ्रीडम होती है। कारण, यहां पर सिर्फ काम करने की पावर है, यहां पर करवाने की पावर है। जब सिर्फ काम करने की पावर होगी तो पावर कम होगी, फ्रीडम कम होगी। जहां आपको काम करवाने की पावर मिल गई वहां पर फ्रीडम ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं यहां पर ग्रेटर फ्रीडम है और यहां पर
लेस फ्रीडम है। क्लियर हो गया? स्टेटस क्या है? यहां पर जो प्रोसेस होता है उसका काम होता है टास्क को शेयर करना, जो टास्क है हमारे पास में उसको शेयर करना। और अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं, इट इज ए टास्क ऑफ पॉलिसी, इट इज द एक्शन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। जो टॉप लेवल ने डिसीजन बनाए हैं उसका टास्क है, उसका स्टेटस है कि भैया हमें डिसेंट्रलाइज करना है। और यहां पर जो प्रोसेस फॉलो होता है उसका मेन मकसद क्या होता है? टू शेयर द टास्क। स्कोप की बात करें, डेलीगेशन का नैरो स्कोप है क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकता है, एनी टू, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इसलिए इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, केवल दो लोगों के बीच में डेलीगेशन हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही वाइड स्कोप है, आप इसको कितने भी लेवल तक शेयर कर सकते हो, डाउन द लाइन, डाउन द लाइन आप कितने भी लेवल तक शेयर कर सकते हो, दो लेवल, 20 लेवल, 25 लेवल, 50 लेवल, डाउन द लाइन करते चले जाओ, करते चले जाओ, लोएस्ट लेवल तक, बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक आप लेके जा सकते हो। इसलिए इसका वाइड स्कोप है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी लोएस्ट लेके जा सकते हो, मर्जी है, इट इज ए वेरी वाइड स्कोप। लेकिन डेलीगेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होती है, इट हैज ए नैरो स्कोप। पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि हम बर्डन को कम कर सकें, और इसका पर्पस होता है कि हम फ्रीडम ज्यादा दे सके, ऑटोनॉमी ज्यादा दे सके, पावर ज्यादा दे सके। टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, यानी कि मोर फ्रीडम, मोर पावर टू डू द वर्क। क्लियर हो गया बेटा? आप समझ आ गया ना? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क भी होता है, चाहे वो दोनों सेम सेम नजर आते हैं, इंपॉर्टेंस की तो कुछ पॉइंट सिमिलर थे भाई, लेकिन सारे नहीं थे। ठीक है, अब डिफरेंस समझ आ गया। ये कंपल्सरी, ये ऑप्शनल, यहां पर कम फ्रीडम, यहां पर ज्यादा, यहां पर टास्क को शेयर करना होता है या पॉलिसी होती है कंपनी की तो इसलिए करते हैं, यहां स्कोप नैरो है दो लोगों के बीच में, यहां पर वाइड स्कोप है जितना मर्जी लंबा ले जा सकते हो आप डाउन द लेवल, यहां पर जो पर्पस होता है वो बर्डन को कम करना होता है, और यहां पर पर्पस होता है ऑटोनॉमी को ज्यादा देना, ज्यादा देना, पावर को ज्यादा देना, फ्रीडम ज्यादा देना। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है बेटा स्पैन पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? स्पैन। स्पैन मैंने बताया था कि एक आदमी कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, वन कैन हैंडल द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पैन्स, ये बोलते हैं स्पैन्स। तो बेटा ध्यान से देखो, एक चीज और मैं आपको दिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है डिफरेंस कैसे याद किया जाएगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंपैरेटिव व्यू है स्पैन्स, SPANS, स्पैन्स। एस ए स्टेटस, दे इसको नोट कर लो बेटा, एस ए स्टेटस, पी से पर्पस। ये क्या डिफरेंस है बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का? नजर नहीं आ रहा, अभी दिखा देते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन पे दिखा दो जी, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कंपैरेटिव व्यू। आ जा भाई, आ जा, आ गई, देखा, एस ए स्टेटस, पी से पर्पस, ए से एक्शन ऑफ फ्रीडम, एन से नेचर, और एस से स्कोप। फिर वही बात मैं हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो डिफरेंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के पेपर में, वो डिफरेंस पूछा जा सकता है, और उसमें आपको अगर इसमें हमारे 5 पॉइंट है तो आपको 15 याद करने होंगे, 5 बेसिस के और 5-5 डिफरेंस के। तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आपने बेसिस जो है, जिसके बेस पर हमने डिफरेंस करना है,
अगर वो बेसिस आपको याद हो गए तो डिफरेंस करना आसान हो जाएगा। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस करने का जो बेसिस है वो है स्पैन्स, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट वन कैन हैंडल। तो नोट डाउन, एस से स्टेटस, पी से पर्पस, ए से एक्शन ऑफ फ्रीडम, एन से नेचर और एस से स्कोप। देखो ऐसे स्कोप याद आया तो आपको याद आ जाएगा डेलीगेशन में नैरो स्कोप होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड स्कोप होता है। इज दैट क्लियर, समझ आ गया ना? तो इसलिए बेसिस को नोट कर लो ये वाले, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जी हां बच्चों, अब ध्यान से समझो, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, तो हमें आइडिया क्लियर हो गया। फिर हमें स्कोप नजर आया, उसके इंपॉर्टेंस समझ में आई। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे गए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है। वहां हमने फंक्शनल और डिविजनल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने समझा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। वहां हमने समझा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है और उन दोनों में फर्क क्या होता है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में, है ना? फिर हम आए एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको नाम दिया डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने समझा कि काम करने की जो पावर दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, करेक्ट, डेलीगेशन, और काम करवाने की जो पावर दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? अब समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंट डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से आपको लास्ट टाइम रिमाइंड करा दूं कि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, वो इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो गेट रेडी फॉर दिस ऑल्सो। और सबसे अच्छी बात, यहां पर हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ये सब कोर्स बेटा, ये बहुत टिपिकल चैप्टर है आपकी एंटायर बिजनेस स्टडी में, कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन आप इसको रिवाइज करके कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं बेटा, लास्ट टाइम बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपके पास एक FTR की बुक है, फास्ट ट्रैक रेफरेंस की बुक है ना आपके पास में। इस बुक को जब आप ओपन करोगे तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है आपका कितने पेज में है जरा देखें, पेज नंबर 14 से स्टार्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग और पेज नंबर 18 पर खत्म है, यानी कि आपके जो करीब करीब 5 पेजेस है सिर्फ। देखिए यहां से स्टार्ट होगा और ये आपका खत्म होता है यहां पे, और यहां पर एक टेबल दे रखी है आपको और आपका पेज नंबर है 19। पेज नंबर 19 पे यहां टेबल दे रखी है बेटा और सारे कीवर्ड्स की पॉइंट्स हैं इसके अंदर में। अब आपको करना क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने इस चैप्टर में यहां पे रिवाइज करने हैं सारे कीवर्ड्स। अब क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है आपके माइंड से स्किप कर जाएगा जब आप आगे लेक्चर्स में जाओगे, तो आपने यहां पर डेट लिखनी है और यहां पर मिनट्स और सेकंड्स लिखने हैं और इसको कम से कम आपने 10 बार 5 पेज, बेटा सिर्फ 5 पेज की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 5 पेज हैं, इन 5 पेजेस को रिकॉल करना है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रिकॉल रहेंगे, ठीक है? और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 के पेपर में देखिए एक बार जरा जूम करें यहां पर, ये डेलीगेशन की जो 4 लाइनें लिखी है ना, ये इट इज ए प्री रिक्विजिट, एनेबल्स मैनेजर ऑल्सो सेटिस्फाई, ये वाली बेटा केस स्टडी में 2017 के केस स्टडी में बच्चों ने ये 4 लाइनों से आइडेंटिफाई कर लिया था कि आंसर डेलीगेशन है। ये 4 लाइनें, जो चौथी लाइन है ना, ये इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबॉर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव एज इट इज, एग्जाम में थी ये वाली लाइन। और ये 3 लाइनें केस स्टडी में दे रखी थी, बच्चों ने इन 4 लाइनों को पढ़ के एग्जैक्टली कंफर्मली बिल्कुल 100% श्योर होकर आंसर लिखा था इसे डेलीगेशन, और ये 4 की लाइंस थी।
इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि इन एफटीआर को आप बार बार रिकॉल करो। इससे जब आप 10 बार रिकॉल कर लोगे तो आपको इस चैप्टर को करने में लगभग लगभग 7 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ 10वीं बार। पहली बार ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार और कम, तीसरी बार और कम। जब आप इसको 10वीं बार पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड टाइम है 7 to 10 मिनट्स। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यह तो पता चल जाएगा कि आप कितने मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और इस चैप्टर पे कंट्रोल करने का यह सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो आप पूरा चैप्टर खोल के डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग दिस एफटीआर। ये नोट्स, ये एक्रोनिम्स, ये चैप्टर्स, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ये डिजाइन आपके बहुत काम आएंगे। इसको याद रखना। ऑल द बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रिवाइज करना।